हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो होने वाली है कि भाई 5 घंटे से प्लस जो कबूतर होते हैं या 6 घंटे से प्लस, उन्हें बादाम किस तरीके से देना चाहिए और कितना बादाम देना चाहिए। ठीक है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाइयों देखिए, जैसे कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जो कबूतर हमारा फड़कों में चल रहे हैं और जो कबूतर 4-5 घंटे 6 घंटे पार कर चुके हैं, उन्हें बादाम कितना देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। ठीक है, ये देखो जरूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत भाई गलती करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं, मैं सभी चीजों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अब की बार, ताकि हर किसी भाई को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले जो कबूतर आपका 5-6 घंटे पार कर गया है और टेम्परेचर आपका माशाल्लाह अच्छा हो गया है, 38 टेम्परेचर 37 टेम्परेचर पार हो रहा है, 40 पर पहुंच रहा है। ठीक भाई, तो भाई उसमें सभी भाई क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई सबसे पहले कबूतर के लिए जो बादाम देते हैं वो पानी में आप 24 घंटे भिगा के रखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे कि मान लो आज कल सुबह में आपको बादाम खिलाना है, तो आज सुबह में पानी में डाल दिया करो आप। ठीक है, और कल सुबह उन्हें पानी से निकालो, छीलो, और छीलने के बाद थोड़ी देर के लिए, आधा पौन घंटे के लिए, उन बादामों को भाई आप सूती कपड़े पर छाए में फैला दिया करो सूखने के लिए। उससे क्या होता है, जो पानी से होता है वो सूख जाता है। ठीक, जब वो बादाम सूख जाए उसके बाद आप कटिंग करके कबूतर के आगे डाल सकते हो। ठीक है, और कटिंग ये समझ लो एक बादाम में से कम 8 पीस होने चाहिए, इस तरीके से कटिंग करो। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा भिगोने वाला तरीका कि किस तरीके से बादाम भिगोना है। ठीक, अब मान लो कबूतर का जो बादाम हम बढ़ाते हैं, वो कब कबूतर का बादाम बढ़ाना चाहिए? जैसे कि मान लो आपने 4 घंटे से बादाम स्टार्ट किया है कबूतर के लिए। ठीक है, जब आपके कबूतर 4 घंटे आ गए, आपने स्टार्ट कर दिया कबूतर के लिए 2 बादाम या 3 बादाम। ठीक, तो भाई उस कबूतर को तो आप पर डे 1 बादाम बढ़ाते रहेंगे उसका। ठीक है, और जिसे मान लो आपने स्टार्टिंग से ही बादाम दे स्टार्ट कर दिया था और आपका कबूतर 4-5 घंटे आ गया और कबूतर पर बादाम, यानी कि मान लो आप 4-5 बादाम दे रहे हो, तो भाई उस कबूतर की खुराक बढ़ा देनी चाहिए। जैसे कबूतर 5 घंटे पार करे तो कम से कम 7 बादाम प्लस हो जाना चाहिए कबूतर के पास में, यानी कि एक कबूतर को 7 बादाम कम से कम हो जाए 5 घंटे पार करते ही। और जैसे जैसे वो टाइमिंग बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे उसका बादाम बढ़ता रहेगा। लास्ट जो करते हैं भाई, 10 बादाम पर जाकर आप लास्ट कर सकते हो। ठीक है, एक कबूतर को 10 बादाम, ये आपका जाके रुक जाएगा पर डे, फिर 10 ही बादाम चलेगा। ठीक है भाई, तो बादाम देखो ये बहुत जरूरी है, कबूतर के अंदर ताकत होनी जरूरी है, चुगाई बहुत जरूरी है कबूतर की। अगर कबूतर अच्छा उड़ाना है तो भाई उसे डाइट भी अच्छी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सही टाइम पे देनी पड़ेगी और सही तरीके से देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ऐसा भी ना हो कि मान लो अभी बाद में दे दूंगा, लास्ट के 2 दिनों में दे दूंगा मैं इसे 10 बादाम या 15 बादाम, ऐसा नहीं है। सही टाइम, यानी कि जैसे जैसे वो टाइमिंग बढ़ा रहा है ऐसे ऐसे ही उसे का आप बादाम बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, और कटिंग करके खिलाएंगे। और जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी उड़ने वाले कबूतरों के लिए खुराक बताई थी, तो भाई वो खुराक आप बना लेंगे और वो खुराक भी आप देते रहेंगे कबूतर को। मतलब यही है, देखो कबूतर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक, तब कबूतर अच्छे से चलेगा। ठीक है भाई, तो ये तो हमारी बात हो गई कि कबूतर को बादाम किस तरीके से देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। ठीक, अब इसमें बहुत से भाई कमेंट करके पूछ लेते हैं, हालांकि मैंने कई वीडियो के अंदर बताया, लेकिन इसमें भी मैं बता रहा हूं आपको कि भाई कबूतर को बादाम सुबह में देना है या शाम में देना है। तो भाई मैंने आपको एक चीज समझा रखी है, जब आपका कबूतर 4-5 घंटे पे होता है तो उस टाइम पे आप एक दिन की रोक रखते हो। जिस दिन रोक होती है कबूतर की, उस दिन मॉर्निंग में जो है सुबह के टाइम में
आप कबूतर को बादाम देंगे, ठीक है, और जिस दिन आपका कबूतर उड़ता है, उड़ के आने के बाद संभाल करने के बाद में बादाम दिया जाता है। ठीक है भाई, ये मैंने कई वीडियो में बताया, लेकिन इसमें भी मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत से भाई क्या काम करते हैं, वीडियो को स्किप कर लेते हैं या आधी देख लेते हैं, तो इसलिए उन्हें चीजों की पता नहीं लगती। और हो सके देखो, इसमें भी मैंने बताया, कुछ भाई हो सके ये भी आ गया कि आधी आधी वीडियो देख लेंगे, या शुरू देख लेंगे, लास्ट देख लेंगे, बीच काट देंगे, फिर वो कमेंट कर देंगे भाई कि भाई कबूतर को, एक कबूतर को कितना बादाम देना चाहिए, समझ रहे हो? तो भाई वीडियो को पूरा देखो, तो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ भाई, अच्छे से पूरा करके समझाता हूँ मैं, हर किसी भाई के समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं वीडियो शूट करता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि जो बिल्कुल अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी ना, उसके भी समझ में आ जाए। मैं एक चीज को दो दो तीन तीन बार बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि कौन सी चीज कैसे है, कब क्या है, क्या नहीं है, ठीक? तो इस तरीके से अपने कबूतर को बादाम दें, एक कबूतर पे कम से कम 10 बादाम होने चाहिए कबूतर के लिए, ठीक है, जैसे वो 6-7 घंटे पार करेगा आपका कबूतर, समझ लो 6 घंटे पार करते 10 बादाम उसके पहुंच जाएंगे जब, तो वो और अच्छी टाइमिंग बढ़ाता रहेगा आपका कबूतर। तो चुगाई अच्छी करो, और नस्ल भी अच्छी होनी चाहिए। देखो ऐसा भी नहीं है कि मान लो नस्ल अच्छी ना चले और मैं से बादाम देना स्टार्ट कर दूं, भाई नस्ल भी अच्छी हो, चुगाई भी अच्छी हो, उड़ाने की गाइडलाइन भी अच्छी हो, उड़ाने वाला भी अच्छा हो, सब चीज यानी कि देखो अच्छी होगी तभी मजा आता है, ठीक? अब जिस कबूतर में उड़ने की कुवत नहीं है, उसे तुम बादाम खिला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो बेकार है भाई। अगर ये चीज हो रही है तो भाई ये समझ लो आपका तो तुम अपना कैसे निकाल लो, लेकिन अगले सीजन अच्छी नस्ल बनाने की कोशिश करो, ठीक है, अपडेट करो नस्ल को। और ये तो देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो इस सीजन में अच्छे खिलाड़ियों के पास में इस सीजन में नस्ल होती है ना, अगले सीजन उससे भी अपडेट करने की कोशिश करता है हर इंसान, कि अगली बार इससे भी अच्छे कबूतर बनाने, मुझे इससे भी अच्छे उड़ाने कबूतर, हर इंसान यही मेहनत करता, ठीक है? तो ये होगा कब, जब इंसान मेहनत करेगा इस चीज पर, जब अच्छी नस्ल बनाने पे मेहनत करेगा और अच्छे तरीके से खिलाने पे कोशिश करेगा, यानी कि एक एक चीज बारीकी से लेगा वो, तब वो आगे चलेगा, ठीक है? तो भाई यही मत रुको, आगे अपडेट करते रहो, हर चीज अपडेट होती है भाई, हर साल जब अपडेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कबूतर आप पे उड़ाना भी अच्छे से आ जाएगा, और अच्छे से कबूतर उड़ने भी लगेगा, अच्छा कबूतर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है, हर साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ये एक छोटी सी वीडियो थी भाई, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है भाइयों? और भाई दूसरे चैनल पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, कबूतर IHS पर, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।